सब्सक्राइबर, 200 है लेकिन बोल 10,000 व्यू। हाँ रहा था। आवाज आ रहा ना? हेलो, हाँ यस सर, आ रही है आवाज। क्वेश्चन में किसी डाउट भी है, कोई पूछना भी है कल के टेस्ट में? कल के टेस्ट के क्वेश्चन में आगे बोले? नहीं, अभी से पहले पूछा था वो, इससे जवाब दिया हम उसको, दे देते जवाब। और क्या फोल्डिंग, वो ढिला ही होगा क्या वो? सेल नहीं, वो मेरा कहने का मतलब यही था कि सेल के अंदर में कौन अंदर की तरफ फोल्ड रहता है। नहीं, ढीला ज्यादा बेहतर आंसर है, उसका कहना किस्सा भी होगा क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया सेल नहीं था ना, लाखों लाखों साल पहले सेल था ना। देखो हम तुमको बताए हुए कि चैप्टर 14 पढ़ी थी हमसे पहले से बोलो। हाँ, चैप्टर 14 में हम बताए हुए कि ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक में कैटाबोलिक और एनाबोलिक मिला करके, कैटाबोलिक का मतलब है तोड़ना जिसमें एटीपी रिलीज होता है, एनाबोलिक जिसमें एटीपी यूज होता है। तो तुम जानते हो ग्लाइकोलाइसिस तो 10 स्टेप में होता है ना, एक स्टेप में होता है तब ना तुम कहते कैटाबोलिक। ग्लूकोज से पहले क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। फॉस्फेट बना मतलब एटीपी लगाए हैं ना हम यहाँ पे, है ना, फॉस्फेट ऐड भी तो हो रहा है, समझे? यहाँ पे तुम क्या कहोगे एनाबोलिक? फिर आगे जाते 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 आगे जाकर टूटता है आपको पायरेटिक एसिड, इतना तो क्या कहेंगे कैटाबोलिक कहेंगे। तो दोनों हो रहा है ना, दोनों हो रहा है तो तुम एम्फीबोलिक कहोगे ना, प्योर एनाबोलिक थोड़े कहेंगे या प्योर कैटाबोलिक। ठीक ठाक क्वेश्चन था, है ना, तुम ही लोग को ध्यान रख के बनाया था ना, उसको ध्यान नहीं रख के बनाया था 11th वाला से, इसलिए जान कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का भी वो क्वेश्चन डाले है ना। वही माजीने को है ना, 291 है अभी, लेकिन उससे चेक नहीं किए, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट था पा, उसमें जरा ज्यादा ऑनलाइन थी ना, ऑनलाइन थी वही ये ऑनलाइन। तुम लोग के पास तो एक्सक्यूज होगा, अजीत सुमैया तो एक्सक्यूज है कि नहीं तुम्हारे पास? क्या सर? हेलो, कोई एक्सक्यूज है कि नहीं? तुम भी तो बोली थी रिप्रोडक्शन टॉपिक का टेस्ट देंगे, पर दी क्यों सर आप नहीं? बोले थे 2:15 में टेस्ट होगा, हम तो इंतजार किए, क्वेश्चन नहीं आया परसों कितना में आया? 2:22 में आया था, अब तुम देखी भी हो 2:23 के आसपास में या उस 24 के वाले आसपास। का देखे थे, रिप्रोडक्शन वाले का नहीं देखे थे, पहले उसका आया था सेल यूनिट हाँ, तो वाले का। जब देखी तब बना देती ना। चलो हाँ बना देंगे बनाए बनाए जी। तो अपलोड का है नहीं थी, अपलोड कर देता ना, समझ के बना ली, अपलोड कर देना एग्जाम के क्लास के बाद। तो जी कर देंगे। अगला टेस्ट सैटरडे को है ना, इस सैटरडे को आने वाला, जब तक नीट का एग्जाम नहीं आता वैसे। हालांकि हमको लगता है 31 तारीख को, 30 तारीख को रिजल्ट ये देगा, फॉर्म आएगा, ठीक है, 30 जून को आने वाला है फॉर्म, है ना, बोला तो गया है। फिर भी 1 अगस्त को ले लेगा, 1 महीना में सब कुछ कर लेगा वो, पता है अच्छा क्या बात? वो एक बार से यहाँ दरभंगा तो डूबा रहता है, घर में डूबा रहेगा, हम लोग तैयार है कि इस बार भी डूबना है।
ऐसा भयानक बारिश का रिकॉर्ड बनाएगा, ऐसा बोला गया है 130-135 एवरेज रहेगा एमएम मिलीमीटर बारिश, है ना। पिछले साल तो 90-80 पे था, तो मेरा हालत खराब था, पूरा रूम डूबा हुआ है, इसमें तो पंखा पे लटक लटक के रहना है ना जी। सैटरडे को टेस्ट है अगला, है ना, ऐसा पीसीबी पीसीबी क्या हुआ पीसीबी है इस बार, है ना, पीसीबी आपको देना है इस बार, है ना। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना जी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक मिनट पहले फिजिक्स का सिलेबस देखू, अभी जब तक एग्जाम नहीं आता तो हम ऐसे ही देंगे, ठीक है, इस बार टाइप करके देंगे, ठीक है, मतलब आने वाले टेस्ट को टाइप करके देंगे, मतलब हाँ नहीं मतलब हाँ से लिखे थे ना वो टाइप, मतलब वो करके, हाँ टाइप करके बायोलॉजी की बात करें। अब हाँ, इसमें जो है कि जो बच्चे आपको नहीं जो पढ़ावा देना चाहते उसके लिए भी है, हाँ, जो पूरा अटेम्प्ट देना चाहते जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी है ना जी। मतलब हम लिख देते पहले फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपके कंपलसरी है, देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए देने का, नहीं तो बाद में घुसाएंगे ही, आपने तो कब करिएगा, है ना। हाँ, अब तो 2 महीने 1 महीना रह गया अगला साल नहीं सोनू भारती आई तो अगला साल बोलेंगे ना जी। चलिए पहला चैप्टर आप लोग बहुत हल्का रखते हैं क्या, पहला चैप्टर लिखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन है, पर इसमें एरर भी पढ़ना है आपको, यूनिट एंड डायमेंशन है और इसमें एरर भी पढ़ना है आपको, एरर में वो वाला टॉपिक पढ़ना है जो स्क्रू गज सब है ना, स्क्रू गज सब जो है ना, आप लोग ये नहीं कर सकते आईटी का सिलेबस है क्योंकि पिछले साल में पूछा है ना, टेक्निकल फिगर का क्या क्या गलत किया, वो तो दिया है ना स्क्रू गज, ये सब भी आप पढ़िएगा है ना जी। एक आता है स्क्रू गज आईटी का सिलेबस, लेकिन ये पूछा है दो एक दो साल पहले है ना, 19 या 20 में पूछा है ना, पिछले बार तो सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है ना, ये जो 2020 गया है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, तो मायने रखता है आप लोग लिखना जरूरी है कि सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। आई वेक्टर पढ़ना आपको पूरा वेक्टर, एनसीईआरटी में वेक्टर 2 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक चैप्टर है तुमको मोशन इन अपने स्ट्रेट लाइन में है और डॉट प्रोडक्शन रोटेशन चैप्टर में है, नहीं ऐसे करके बनाते हैं क्रॉस, हाँ एनसीईआरटी सिलेबस रहेगा, मतलब एनसीईआरटी और आपको नहीं थ्योरी मिल रहा है एनसीईआरटी पढ़ोगी है ना, यूनिट डायमेंशन में एनसीईआरटी पढ़ोगी। एक पहला चैप्टर वो बकवास है फिजिक्स, आपको लिखा व्हाट इज फिजिक्स या व्हाट इज नेचर करके होगा वो नहीं, ठीक है, यूनिट डायमेंशन सेकंड चैप्टर में है, हाँ वो भी बात याद है, स्लिप पॉइंट सब भी याद है, स्लिप पॉइंट मतलब क्या कि इसमें बताया जाएगा कि ये फलाना टाइम है, जैसे आपको उसी में लिखा हुआ है एक दो आई डिस्टेंस से मिला करके नहीं एक चांद का डिस्टेंस निकालते हैं, वो टाइप का भी क्वेश्चन पढ़िएगा है ना, क्लॉक में मिनट ये सब का सिंबल क्या था वो भी पढ़िएगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है, मिनट सेकंड सब का सिंबल दिया हुआ है, डॉट एक रहता है मिनट मतलब डबल डैश रहता है तो सेकंड होता है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी पढ़िएगा इसके लिए मेरे कहने का है। अब वेक्टर के लिए भी आपको 2 चैप्टर में घुसना पड़ेगा, वेक्टर पूरा बोल रहे हैं, आपके पास नोट्स कहीं से बना हुआ है वेक्टर का पूरा वो पढ़िए, नहीं तो वेक्टर के लिए आपको 2 जगह जाना पड़ेगा एनसीईआरटी में, एक तो पहला है आपको स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर में भी वेक्टर है, एक है डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट वाला टॉपिक है ना रोटेशन में, रोटेशन चैप्टर जो है वहां पे है क्रॉस माने 3D वेक्टर जिसमें आप पढ़िएगा वहां, है ना जी, शुरुआत में है वहीं जाना नहीं घुसना नहीं पड़ेगा, तो वेक्टर ये दोनों बहुत ईजी है, बहुत मेडिकल का तैयारी करना बच्चा ईदी में चलो घोटे रहता है, ठीक है, इवन ये भी कहेगा अभी ले लीजिए टेस्ट, ऐसा भी कुछ होगा आप लोगों में। केमिस्ट्री में आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर ओनली 1 चैप्टर है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड है ना मोल कंसेप्ट है ना, मोल कंसेप्ट एनसीईआरटी पढ़िए एनसीईआरटी, हाँ और आप चाहें तो आप दीपक सर का या कहीं और नोट्स भी पढ़ सकते हैं है ना, पर एनसीईआरटी ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन पूछेंगे हम, ठीक है, जो पूछा हुआ है या एनसीईआरटी में जो डीप लाइन सब है जो या एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होगा या एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज होगा है ना, हाँ नहीं आपकी मर्जी है, अपना देखिए कैसा ग्रोथ हो रहा है आपका, लेकिन हमारा क्वेश्चन का सोर्स एनसीईआरटी बुक रहेगा, ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी रिलेटेड बुक है, जैसे एग्जाम्पलर हुआ या एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हुआ वो वैलिड क्वेश्चन रहेगा, ये भी तुम लोग ध्यान रखना, ए बी सी डी नहीं पूछेंगे है ना, वैलिड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें है जो आपको नीट का सिलेबस है, मतलब नीट के जैसा हम जो रूटीन दे रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर 5 चैप्टर देंगे हम उसमें है ना, इसमें एक है आपको, इसमें हो गया आपको एनिमल किंगडम हेल्थ एंड डिजीज का पूरा यूनिट है, यूनिट मतलब 8, 9, 10 समझिए 8, 9, 10 याद आ रहा है 11, 12 का ये 12th का है ये चैप्टर 8, 9, 10 है ना, और एक है आपको
हेल्थ एंड डिजीज यूनिट एक चैप्टर और लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ले लेते हैं चैप्टर 22 ले लेते हैं, चैप्टर 22 हार्मोन। लगभग लगभग खत्म है वो मेरे बैच में, है ना। वो ऑनलाइन यूट्यूब पे डाला हुआ है चैप्टर 22 का लेक्चर, है ना। मैक्सिमम पेनक्रियास तक डाले हुए हैं, पेनक्रियास उसमें अब दो तीन टॉपिक रह गया है ना। मैक्सिमम हार्मोन एक्शन हम होगा तो आजकल में उसको भी पढ़ाएंगे, हार्मोन एक्शन। सैटरडे को है ये टेस्ट, है ना। जब तक अभी नीट का डेट नहीं आया, मतलब नीट का वो फॉर्म नहीं आया तब तक, और फॉर्म आया तो फिर स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे, ठीक है जी, समझा ना। अब जिस दिन उस दिन जिस लड़का को अपना सिलेबस देना है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि टेस्ट में फेल होंगे लेकिन ये सब नहीं होगा हमसे, तो उसके लिए बोल रहे हैं 12th का सिलेबस पढ़ के दीजिएगा। जेनेटिक्स चैप्टर है, या आप चलिए इकोलॉजी तो पढ़ ही सकती हो ना, इकोलॉजी यूनिट। इकोलॉजी यूनिट क्या बता रहे तुम बताओ, देखा कि नहीं सैटरडे को, फिर गारंटी नहीं है, इधर ला देगा, ठीक है। और बोलो रे तुम लोग भी कोई, है ना, तुम लोग आप अपना बता सकती हो, है ना। हेलो, तुम लोग भी बोल सकते हो। अब ये आपके बायोलॉजी है, ये आपका 5 चैप्टर लेकिन बोलना होगा, 5 चैप्टर बायोलॉजी का, ठीक है। अब पहली बार क्वेश्चन कल जो बना रहे थे हमको दिक्कत नहीं हो रहा था, नहीं तो बहुत पढ़ना पड़ रहा था हमको, ठीक है। 2-3 चैप्टर रहता तो पढ़ना ज्यादा पड़ता है ना, लेकिन 5 चैप्टर रहता तो फिर पढ़ना नहीं पड़ा ज्यादा हमको, है ना जी। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ, फिर बोलिए बोलो जी, सुन रही हो तुम लोग, जिसको 12th देना है तो, नहीं तो हम अपने मन से लिखेंगे, फिर बोलिएगा अपना जी। 12th मतलब 12th का जितना सिलेबस, यानी एक अल्टरनेट है, अल्टरनेट सिलेबस है, दोनों भी देना है तो दोनों भी दे सकते हैं आप, है ना, दोनों दे सकते। अगर इस बार नहीं देंगे, इस बार मतलब नया क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है ना, ये तो इजी चैप्टर है, इकोलॉजी यूनिट, ये तो अपने से ही पढ़िया हो जाएगा। यूट्यूब पे नहीं है इसका लेक्चर, मेरे तरफ से पढ़ाए थे, सुबह में तो आई थी तुम लोग, है ना, इकोलॉजी पढ़ने, है ना। एनिमल किंगडम ये भी पढ़ाए हैं, ठीक है। ये है ना अल्टरनेट के लिए, जो देना चाहे तो, ठीक है। 2 बजे दिन में होगा, सैटरडे को है, ये है सैटरडे को, ये भी दे सकते हैं आप लोग चाहे तो। अच्छा, एनुअल किंगडम यहाँ भी है, चलो ठीक है, तो फॉर्म बनाना पड़ेगा कुछ, है ना। चलिए यही रहेगा, लिखो तो कागज पे, हाँ लिखिए, चले शुरू करते हैं। टेस्ट का फीस भी 80 रुपये है, 80 रुपये भी याद रखिएगा, टेस्ट का फीस 80 रुपीज है, टेस्ट का फीस, है ना। हाँ कोई भी, हाँ तीनों दो या एक दो, जैसे दो नहीं दो, 80 रुपया लेंगे, चलो दे ही नहीं रहे, 80 रुपये नहीं देगी, कहा नहीं देगी, जय कुमार हुआ। ये रॉक का खर्चा देना पड़ेगा ना जी। चलिए आइए, हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे, प्लांट टिश्यू में हम लोग गौर कर रहे थे आपको, अभी भी टाइम है, बुधवार है आज, 2 दिन है टाइम आपके पास, है ना। प्लांट टिश्यू में हम लोग परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे जी। अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक का पूरा बात कर लिए, एक भी कोना छूटा नहीं इसका, है ना। आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है जी, आपको वो बाद में बताया जाएगा, बट अभी हम लोग आ गए किससे, आपको परमानेंट टिश्यू पे आ गए थे जी, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में भी हम लोगों ने एक आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू था, है ना, परमानेंट टिश्यू, है ना। इसमें हम लोग सिंपल टिश्यू पढ़ा दिए थे आप लोगों को, है ना जी। उसमें हम लोग ना सिंपल टिश्यू कल पढ़ा दिए थे, एकदम तेजी में ही पढ़ाना जरूरी था, ये उतना मायने नहीं रखता, आप लोग खुद से भी अटेम्प्ट लीजिएगा तो आपसे हो जाएगा, है ना जी। और दूसरा तरफ क्या था आपको, है ना, एक था कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आज हम लोग इसी को डील करेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये बहुत VBI होगा, ये आपको चैप्टर 11 समझने में बहुत मदद करेगा। प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर 11वां चैप्टर है, उसमें जाइलम फ्लोएम का बहुत यूज होता है, तो वहाँ यूज होगा इस सबका भी, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे थे क्या, सिंपल टिश्यू देख रहे हैं, सिंपल टिश्यू में हमने कल आपको बता दिया था 3 तरह का टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये सब एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हम जो नोट्स प्रोवाइड किए उसमें भी आपको पॉइंट बना बना के लिखे हुए, कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, यह सब आप लोग जान रहे थे जी। अब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसका नाम आपको इसमें एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम है आपको, ये 2 एग्जाम्पल इसके अंदर में आप लोगों को पढ़ना है सिलेबस के अंदर में, है ना। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का डिफिनेशन क्या कहोगी, जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल टिश्यू मिलता है
दो या दो से ज्यादा सिंपल परमानेंट टिश्यू मिलता है तो उसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। भारी बात क्या है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को इंक्लूड नहीं करते हम लोग, कॉम्प्लेक्स टिश्यू परमानेंट टिश्यू का ही कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। ये पूछ देगा तुम लोगों से कि क्या कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, तो जवाब दीजिएगा नहीं, ठीक है, इसमें नहीं पाए जाते, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जाइलम और फ्लोएम ही एक बस ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो फिर तुम लोग कहोगे सर लीफ सब क्या है, लीफ सब ऑर्गन है जी, ठीक है, हम कल ही बता दिए थे लीफ स्टेम ऐसे बात करोगे तो वो ऑर्गन बता रही है, तो ऑर्गन तो बहुत सारे टिश्यू से बिल्कुल है ना। हम यहाँ अगर दो सिंपल या दो या दो से ज्यादा सिंपल टिश्यू जब मिल जाता है तब क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनता है जी, ठीक है। तो हम लोग का आज क्लास कहाँ से स्टार्ट होगा, जाइलम से स्टार्ट होगा जी, ठीक है, जाइलम है ना जी। आप जाइलम के बारे में अच्छे से समझ जाओ, इसके लिए हम आपको एक इमेजिनेशन करने के लिए कहें, बैम्बू ट्री को इमेजिनेशन करिए आप, है ना, बैम्बू ट्री को आप इमेजिनेशन कीजिएगा। अब बैम्बू ट्री में आप देखिएगा एक लाइनिंग ऐसे बना रहता है जी, ठीक है, एक लाइनिंग आपको ऐसे दिखाई देगा और एक ऐसे लाइनिंग दिखाई देता है जी, ठीक है। इस लाइनिंग में जितना जाइलम होगा सर, यहां से लेकर यहां तक जो भी जाइलम होगा सर, उसको जाइलम बंडल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, जाइलम बंडल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें है ना, फिर से सुनिए ना, अब आपको हम एक जाइलम बंडल समझाएंगे, ठीक है। एक जाइलम का मतलब तुम लोग, जाइलम का मतलब तुम लोग समझ चुके हैं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अब सर एक जाइलम, एक जाइलम देखना चाहते हैं हम, तो उसके लिए एक जाइलम बंडल पर फोकस कीजिए आप। मतलब आप कभी बांस का पौधा सब देखेंगे, मेरे यहाँ तो है अभी, यहाँ पे आप लोग जो ऑफ लाइन आए हुए हैं उन लोग को समझ में आ जाए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, एक नोड, ये नोड और ये नोड के बीच में जो जगह देख रहे हैं इतना दूर पहला का, ये आपको क्या जाइलम बंडल है क्या, ये बैम्बू ट्री आप देखिए वैसा बात मिला थोड़ा सा। इसमें आप देखिएगा क्या, एक लकीर जो बनता है उस दोनों के बीच में जो जाइलम होगा सर, उसका नाम जाइलम बंडल। एक और दूसरा इमेजिनेशन ये होना होगा कि सर जाइलम बीच में होता है सर, अगर हम पेड़ को ऐसे पकड़े ना तो बीच में जाइलम होगा सर, इस जगह पे जाइलम होगा। मतलब आपको कभी भी बाहर से अंदर घुसना होगा तो सर जाइलम बीच का है, मतलब आप बल बांस के पेड़ को काट फूट के देखोगे अंदर का जो खोखला जगह देखते हैं ना, वो खोखला जगह जो क्या है वो जाइलम को रिप्रेजेंट करता है सर, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर एक्चुअली में जाइलम चार तरह के टिश्यू से मिलकर बना होता है, चार तरह के टिश्यू से मिलकर तैयार होता है। उसमें से आपको एक है सर आपको जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, एक दूसरा हो गया सर जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम फाइबर, और तीसरा हो गया सर आपको है ना, एक हो गया सर आपको ट्रैकिड हो गया, ट्रैकिड, और एक हो गया सर आपको क्या, वेसल्स, ये वेसल्स दिखाई देता है, ठीक है। मुद्दा ये भी हम लोग कर लेते हैं पहले बात, असल में आपको कोई जाइलम के बारे में पूछेगा ना तो आप पहले ये बताइए सर प्लांट पहले सोचते हैं हम लोग, तो प्लांट में आप लोग को है ना, इसमें पांच तरह के प्लांट दिखाई देते हैं, एक अल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में भी दो है सर, एक मोनोकॉट है और एक क्या है, डाइकॉट है, जा रहा जी बात समझे। तो सर इन लोग के पास जाइलम अब्सेंट होता है सर, इन लोग में जाइलम होता ही नहीं है, जाइलम अब्सेंट है, यहाँ यहाँ से जाइलम मिलना शुरू हो जाता है, इस सब में पास क्या होता है सर आपको, जाइलम होता है सर, जाइलम प्रेजेंट है, ठीक है, जाइलम प्रेजेंट देखते हैं हम लोग। अब दूसरी बात क्या है सर, आप टेरिडोफाइटा पर जब देखोगी ना तो टेरिडोफाइटा का जो जाइलम देखते हैं सर, इसका जाइलम देखते हैं, इसमें तीन ही चीज मिलता है सर, इसके जाइलम में आपको क्या, जाइलम पैरेन्काइमा मिलेगा, जाइलम फाइबर मिलेगा, और आपको ट्रैकिड मिलेगा, टी फॉर ट्रैकिड है ना जी। और सेम बात जिम्नोस्पर्म के लिए भी यही लागू होता है सर, जिम्नोस्पर्म में भी तुम क्या देखोगी, उसमें भी तीन ही चीज मिलेगा। आप लोग गौर कर लियो कि कौन चीज गायब है, वेसल्स गायब रहता है ना, वेसल्स इज द फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। आज के बाद तुमसे कोई पूछ देगा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, तो आप ये कह सकते हैं कि वेसल्स का होना ना होना, एक्सेप्शन एगो है जिनिटम नाम का एक ऐसा जिम्नोस्पर्मिक पौधा जिसमें वेसल्स पाए जाते हैं, पर तुम ओवरऑल बात करो तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का सबसे रखा से ये भी गिना जाता है बाकी सबकी तुलना में, किसके पास वेसल्स पाया जाता है। अब वेसल्स है क्या सदर में समझना है हम लोगों को, लेकिन एक्चुअली में तुम लोग ये समझ रही हो कि सर एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है, वेसल्स पाया जाता है। तो हम ये किसका जाइलम पढ़ा रहे हैं आपको, तो एंजियोस्पर्म का जाइलम पढ़ा रहे हैं। आप तुमने ये भी कॉर्ड कर लोगे कि सर मोनोकॉट या डाइकॉट, दोनों में मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, सब में आपको वेसल्स पाए जाएंगे या चारों के चारों एलिमेंट पाए जाएंगे जी। जाइलम फाइबर भी पाया जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा, टेरेक्टिड और वेसल्स सबको मिलेगा जी, ठीक है। दिमाग लगा रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब एक बार आप इमेजिनेशन कीजिए कि सर ठीक है, हमको जाइलम का काम भी तो बताइए। तो जाइलम का काम ये होता है कि ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल है ना, ये वाटर कट गया क्या उसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है ना, जाइलम का काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है जी, ठीक है, यही सब की बात करेंगे हम लोग। तो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट जाइए, मिटा के एक पॉइंट बना बना के लिख के बोलते हैं। जाइलम के बारे में बात करें, इसे समझना जरूरी है जी, स्पेस से एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, जाइलम फ्लोएम से एक टॉपिक से एक क्वेश्चन 2019 में पूछा है, 20 में पूछा कि नहीं पूछा याद नहीं आ रहा, बट 2019 का क्वेश्चन था इस सबसे, दो क्वेश्चन था जी, एक था फ्लोएम टॉपिक से क्वेश्चन था,
एक जाइलम टॉपिक पे भी क्वेश्चन था जी, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम क्या आपको जाइलम है जी। जाइलम इज अ फीचर ऑफ सीड प्लांट, ये पेड़ पौधे है जो आपको टेरिडोफाइटा से जाइलम देखने को मिलता है। जाइलम में चार चीजों से तैयार होता है सर, ठीक है। और जाइलम हम लोग एंजियोस्पर्म का बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म का जाइलम की बात कर रहे हैं। और आपको जान सकतेगा एंजियोस्पर्म के जाइलम में चार चीज मिलेगा आपको, ट्रैकिड मिलेगा, ट्रैकिड ट्रैकिड होगा, और एक क्या सर आपको सुना जी, वेसल्स होगा, वेसल्स वेसल्स होगा। एक उसी के साथ क्या होगा सर आपको, ट्रैकिड वेसल्स, एक होगा सर आपको जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, और लास्ट में क्या होगा सर, जाइलम पैरेन्केमा होगा। आपके पास नोट्स होगा, उसमें नोट्स में भी सब बात लिखा हुआ है, देख सकते हो उसको भी, नहीं तो आप नोट्स एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। जाइलम पैरेन्केमा, पैरेन्केमा में हम लोग बात कर रहे थे। अब मुद्दा ये उठता है, पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये एक चीज को तुम इस चारों चीज को देखना चाहते हो, कहाँ दिखा देगा, ऑल एग्जिस्टिंग जाइलम बंडल, इसका नाम क्या रखे थे अभी हम लोग, जाइलम, जाइलम बंडल में आपको ये सब दिखाई देगा। जाइलम बंडल किससे बनता है, तो जाइलम बंडल इस चार चीजों से मिलकर के बनता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक जाइलम बंडल है और दूसरा जाइलम बंडल है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाइलम होता है, ठीक है। जाइलम टुकड़ों में होता है, एक जाइलम बंडल यहाँ देखेंगे, दूसरा जाइलम बंडल यहाँ देखेंगे, ऐसे करके ये चल रहा होता है जी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि सर लिविंग नॉन लिविंग का पहले बात कर लेते हैं। ये नॉन लिविंग है, मतलब इसमें प्रोटोप्लांक्ट अब्सेंट होता है, इसमें भी प्रोटोप्लांक अब्सेंट होता है, इसमें भी प्रोटोप्लांक अब्सेंट होता है, इसका बहुत ज्यादा ही आपको किसके साथ तोड़ फोड़ किया जाता है जी, ठीक है। ये क्या होता है, लिविंग होता है, इस चारों में से सर लिविंग ये होता है। ओवरऑल तुम जाइलम को डेड नहीं कर सकती हो, नाइन टेंथ की क्लास में आपको जाइलम डेड पढ़ा दिया जाता है, पर एक्चुअली में जाइलम का पूरा पार्ट डेड नहीं होता है, तीन पार्ट इसका डेड होता है जी, ठीक है। एक पार्ट इसका क्या होता है, लिविंग होता है जी, ठीक है। और यही लिविंग इस तीनों को कंट्रोल करता है, ये तीनों में कैसे काम करना है, इसका कंट्रोल किसके हाथ में, जाइलम पैरेन्केमा के हाथ में, ये तीनों कैसे चलेगा वो, और वाटर कंडक्टिंग प्रोसेस है ना जी, है ना जी, सुनो है ना जी, लाइन में आवाज आ रहा है तुम लोग को, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन है ना, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन जो देखते हैं है ना, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन जो देखते हैं वो यही दोनों कराता है सर, यही दोनों आपको कराता है। ये दोनों वाटर मिनरल का कंडक्शन नहीं कराता है, बस कंट्रोल कर सकता है या वैसे बांधने में मदद करता है, ठीक है। वाटर मिनरल कंडक्शन यही करा सकता है। अब ट्रैकेट पतला पाइप होता है सर, ट्रैकेट को जब देखेंगे हम लोग ये एक पतला पाइप दिखा देगा। अब वेसल्स को जब देखोगी तो ये बड़ा पाइप होता है, इसका ल्यूमेन बहुत बड़ा होता है, है ना, इसका लार्ज ल्यूमेन होता है, मोटा पाइप समझिए इसको, एक पतला पाइप समझिए, समझदार जम क्या होना चाहे। एक जाइलम बंडल में, एक जाइलम बंडल में एक ही ट्रैकेट होता है, एक है ना आपको लिखिए, जाइलम बंडल में है ना आपको एक ही ट्रैकेट होगा, एक ही ट्रैकेट होगा, और एक ही आपको क्या होगा सर, आपको वेसल्स होगा जी, ठीक है, एक ही वेसल्स होगा जी। जाइलम फाइबर ये सब सेल होते हैं, ये आपको क्या होता है, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या दिखाई देगा आपको, मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, पल्ले पर रहना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम अभी थर्ड पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेसल्स नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाया जाता है, इसलिए मेडिकल में पूछेगा कि सर कौन सबसे सख्त लकड़ी बन सकता है, मतलब बने की बहुत मजबूत लकड़ी बन सकता है, तो आपको जिम्नोस्पर्म, और सर एंजियोस्पर्म में होलो होता है, यानी कि उसमें गड्ढा वो सब दिखाई देगा, खासतौर पर ज्यादा बड़ा पाइप दिखाई देता है सर बांस के पौधे में, बीच का खोखला जगह देखते हैं वो वेसल्स रहता है, ठीक है। क्योंकि आम उन सब में देखे था एक छोटा छोटा इतना दाना रहा, इसको कहते हैं वेसल्स, समझ में आ रहा है। ट्रैकेट बहुत पतला पाइप रहता है, ठीक है, मतलब नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देगा, इतना पतला पतला पाइप दिखाई देता है जी। दिमाग लग रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं। अभी आम के सेल सबको देखिएगा ना, तो बीच में हल्का हल्का पोर दिखाई देगा, स्विच इतना पतला, तो स्विच इतना पतला रहता है वो वेसल्स रहता है, और उससे भी बहुत पतला माइक्रोस्कोपिक थिन रहता है, उसका नाम क्या, ट्रैकेट होता है। तुमको इमेजिनेशन नहीं हो पाएगा, बेहतर इमेजिनेशन के बांस के पौधे को देखिए, बांस के पौधे में वेसल्स बड़ा पाइप का रहता है, खोखला रहता है, उससे पानी भरा रहता है जी, ठीक है, जब आप देखिएगा तो उसमें, और इसमें क्या देखते हैं, ट्रैकेट उसमें भी होता है, पतला पतला पाइप में दिखाई देता है। ये दोनों मेन है ना, मेन क्या, कंडक्टिंग टिश्यू है, यही दोनों असल में कंडक्ट करता है, इसलिए इस दोनों को मिलाकर हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, हम लोग जाइलम एलिमेंट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, जाइलम एलिमेंट के नाम से उसको बुलाते हैं, ठीक है, जाइलम एलिमेंट है ना। ये भी पूछ सकता है आपसे, जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाता है, तो सिर्फ ट्रैकेट पाया जाता है, उसमें ट्रेचरी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ ट्रैकेट ही होता है कंडक्शन के लिए, ट्रेचरी एलिमेंट के नाम से बुलाते हैं, जा रहा जी बस में। अब देखिए, अब नॉन लिविंग है तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेल वाल होगा ना, इससे सिर्फ सेल का जो प्रॉपर्टी हुआ तो खत्म हो चुका है ना, जो भी सेल का प्रॉपर्टी होना चाहिए वो सब खत्म। अब जब आप इस सबको देखते हैं, इस समय भी क्या, ये भी नॉन लिविंग है, इसमें भी सेल का प्रॉपर्टी खत्म रहता है, पर ये लिविंग है, इसका मतलब सेल वाला प्रॉपर्टी इसमें दिखाई देगा। अब आप लोग के मन में पहला सवाल उठेगा कि सर इसको अरेंज कीजिए, बाहर से अंदर की तरफ से अरेंज कीजिए, जैसे कोई प्लांट देख रहे हो, हम पहले ऐसे बोले ये है जाइलम, है ना जी, इसको हम लोग जाइलम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन मिलेगा और सबसे बाद में कौन मिलेगा, कलर पेन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, है ना जी। जब आप जाइलम को देखने जाओगी
जो सबसे बाहर की तरफ से आपको जाइलम पैरेन्काइमा मिलता है जी, सबसे बाहर में आपको क्या दिखाई देगा, जाइलम पैरेन्काइमा। ये लाइनिंग को हम लोग मान लीजिए ये जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है, बाहर से 3D है ना, तो पूरा ऐसे ना होगा, गोल होगा ना, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग जाइलम पैरेन्काइमा मानेंगे। इसके जस्ट बाद क्या होगा, इसके जस्ट बाद आपको जाइलम फाइबर होगा जी, इसको हम लोग जाइलम धागा होता है सर, ये धागा बस लपेट के रखता है सर ट्रैकिड और वेसल्स को, सबसे बीच में क्या होगा वेसल्स होगा जी, ठीक है, ये वेसल्स, ये होगा आपको वेसल्स दिखाई देगा, और इसके दोनों तरफ से टेढ़ा होगा सर, ठीक है, टेढ़ा मतलब क्या, बीच में हो सकता है फैला हुआ हो, है ना, ये रेड पेन से बना रहे ट्रैकिड का फोटोग्राफ है जी, बीच में हो सकता है मोटा दिखाई दे और अंत में जाके पतला हो जाएगा सर, ये अंत में जाके देखते क्या हम लोग को पतला दिखाई देता है जी, ठीक है, मोटा और पतला ऐसे करके ये बन जाता है जी, ठीक है, ये आपको देख रहे हैं स्ट्रक्चर है ना, ये ट्रैकिड है जी, ठीक है, मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ देगा कि बाहर से अंदर की तरफ से जाइए तो पहले क्या बोलेगा XP फिर XF है ना जी, तब क्या T और देन क्या होगा V होगा जी, ठीक है, सबसे सेंटर में क्या दिखाई देगा, V की तरफ से हम लोग देखते हैं जी, ठीक है, लग रहा है दिमाग क्या बना चाह रहे हैं, ये भी पूछ सकता है मेडिकल में क्वेश्चन, हम बार बार बोल रहे हैं वेसल ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा आप लोग, वेसल से ज्यादा पानी ले जाएगा, हाँ ट्रैकिड भी सपोर्टर है, ट्रैकिड भी पानी ले जाने में सपोर्ट करेगा। अब हम लोग को क्लास क्या है ट्रैकिड के बारे में बढ़िया से पढ़ना है, फिर उसके बाद वेसल्स के बारे में बढ़िया पढ़ना है, और फिर आगे हम लोग देखेंगे जी, ठीक है, पहले पढ़ रहा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जब आप ट्रैकिड को देखते हैं है ना, क्लास अभी है ना जी सब, इसमें देखिए ट्रैकिड जो देखते हैं सर, ट्रैकिड का पहले देखिए, ट्रैकिड दो तरह का दिखाई देता है, पहले ये भी जान लेते हैं ट्रैकिड यूनिसेलुलर होता है, एक जाइलम मंडल में एक ही ट्रैकिड होता है जी, ठीक है, ये क्या दिखाई देता है आपको, यूनिसेलुलर होता है जी, ठीक है, यूनिसेलुलर है ना जी, यूनिसेलुलर। ट्रैकिड क्या है, सेल है, ट्रैकिड इज अ सेल, इज अ सेल, कैसा सेल होगा, इलोंगेटेड सेल होगा, लंबा सेल होता है सर, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड सेल होगा जी, ठीक है, सही में समझ आ रहा ना, देखो तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है, ये जाइलम बंडल का फुटरा बनाएंगे ना, तो तुम कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक, चलिए आप बोल रहे थे वेसल्स मानते हैं, इसको हम लोग वेसल्स मान रहे हैं, ठीक है, अब वेसल्स के दाएं बाएं से क्या होगा, ट्रैकिड होगा जो घेर के रखेगा, मान लो था देखिए मेरा इस हाथ को तुम वेसल्स मान लो, तो सर ट्रैकिड क्या होगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरह से, पहले पर आजम क्या बोलना चाह रहे हैं, ट्रैकिड आपको ये सब रहेगा, एक ट्रैकिड एक सेल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेल है, सबसे लंबा, जैसे न्यूरॉन के बारे में बोलते हैं ना ये बहुत लंबा सेल होता है, वैसे ट्रैकिड आपको सबसे लंबा सेल होता है प्लांट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिखाई देगा, एक ट्रैकिड होगा जी, अब 3D इमेजिनेशन करना होगा आप लोग को खुद से, एक ट्रैकिड इधर बना रहे सर आप, तो सर ये दूसरा ट्रैकिड इधर से है, ये दूसरा ट्रैकिड आपको दिखाई देगा जी, ठीक है, एक्चुअली में होता क्या सर आपको, एक आपको लिखिए जालम बंडल में एक ही ट्रैकिड होता है जी, ठीक है, दो तीन तो होता भी नहीं है सर, ठीक है, क्या दो तीन होता है, सॉरी दो तीन होता है लेकिन सर वो 1x1 होता है, मतलब ये एक पूरा एक ट्रैकिड है, छात्रवाद जो ना भैसे बताएंगे तुम लोग खुद कहोगे सर ठीक है, तो एक ट्रैकिड ऐसे होगा, एक ट्रैकिड एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेल को, मतलब एनसीईआरटी में जो दो फोटोग्राफ देख रहे हो ना ट्रैकिड का, एक ट्रैकिड का फोटोग्राफ एनसीईआरटी बुक में जो दिखा रहा है, इसमें आप गोल बनाया हुआ है, तो वो एक सेल है, वो एक सेल देख रहे हैं, ऐसा भी ट्रैकिड करके फोटोग्राफ बनाया हुआ है, ये भी एक ही सेल है, मतलब इसमें कंसिस्टेंट नहीं है, पूरा एक सेल है, एक सेल है ना जी, लेकिन जब वेसल देखोगे ऐसे बहुत सारे सेल मिलकर वेसल बनाते हैं, ये गोल गोल सेल है जिसका नाम है वेसल मेंबर, ये वेसल मेंबर मिल करके वेसल्स को तैयार करता है, वेसल्स को बनाने के लिए है ना आपको बहुत सारे छोटे छोटे सेल का मदद लेना पड़ता है, जबकि एक ट्रैकिड बनाने के लिए एक ही सेल है, आप समझ में आया, ठीक है जी, ट्रैकिड एक ही सेल है, एक सेल है ना, लेकिन वेसल्स है ना बहुत सारे सेल का कलेक्शन है, वेसल्स ऑल्सो ए टिश्यू है ना, समझा ना जी, और वेसल्स टिश्यू किस सेल का बनाता है, वेसल्स है ना आपको वेसल मेम्ब्रेन का बनाता है, नहीं जा रहा दिमाग में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ रहा है क्या बोले अभी, ट्रैकिड जो है ना एक सेल है, यहाँ से यहाँ तक कोई दूसरा सेल नहीं, एक ही तो सेल है ये पूरा है ना, लंबाई के साथ है ना, बट जब आप वेसल्स की बात करते हो लंबाई के साथ, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिलकर के वेसल्स को तैयार करता है, वेसल्स के छोटे सेल को वेसल मेंबर कहते हैं, लग रहा है दिमाग क्या होना चाहे, अब ट्रैकिड तुम देख के ही बोल दो कि सर दो तरह का है, ठीक है, अब दोनों तरह का ट्रैकिड हो, एक आपको क्या है सर आपको इसमें एक पिट बना हुआ है सर, एक पपीता का पिट तो आपको ऐसा दिखाई देगा या ऐसा लगा हुआ है, स्टेपटेड बना हुआ है, इसमें लाइनिंग है, खांचा बना हुआ है, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि आप घर में जो किताब रखने के लिए एक रैक बनाते हैं ना, तो मान लीजिए आपको सर ऐसे रैक सब बना हुआ है, रैक है 3D तो बनाइएगा तो ऐसे हाथ रख रहे हैं हम, इस पे ऐसे करके रैक सब लगा हुआ है, एक ऐसे करके रैक, अब पानी सर एक पे से एक पे दूसरे चढ़ते चला जाता है सीढ़ी जैसा, हाँ ये ज्यादा अच्छा होगा स्टेयर जैसा है ये, इस पे पानी डालोगी ना तो इसको ऊपर से खींचता है, याद कीजिए आप लोग पढ़े हुए है ना, या अभी हम बोल रहे हैं तो मान लीजिए कि सर ज्यादा पानी का लोड हो जाएगा तो इधर क्यों जाएगा, कम पानी क्यों जाएगा, इस पे लटक जाएगा, ठीक है, फिर इस पर से ऐसे चल जाएगा, उसके बाद एक छिटता हुआ चला जाएगा जी, समझा रहा है क्या होता है, मतलब रूट प्रेशर काम करता है, रूट प्रेशर से पानी क्या होता है ऊपर की ओर जाना शुरू करता है, या यहाँ पानी अटक जाएगा सर कुछ देर बाद छिटेगा ऊपर क्या होता है प्रेशर लगता है, वो प्रेशर जैसे पानी अपने आप मूव करके इसमें आ जाता है, इसमें से फिर नीचे से पानी आता रहता है, आ रहा जी बस मैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ये पाइप नहीं बस ना कूलर की स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ से खींच लेगा, स्ट्रॉ ये है इसमें अंदर में पानी भरते हुए जाएगा जी, ठीक है,
पर इससे कैसे पाए, पानी अटक अटक के जाएगा। जैसे सीढ़ी पे हम पानी चढ़ाते हैं, एक बाल्टी पानी ले जाते हैं ना, सीढ़ी पे एक सीढ़ी पे रखे बाल्टी, फिर अगला फिर चढ़े पर दूसरा, फिर उसको उठा के रखे, ऐसे करके जा रहा है पानी। ठीक है, पहले पर एक एक सेक्शन में जाए, फिर दूसरे सेक्शन में ऐसे करते हुए ऊपर जा रहा है। नहीं समझा पा रहे तो समझिए कि एक तरह से सर धागा है, उस धागा को भींगाते हुए पानी ऊपर की जाएगा, और ये एक पाइप है सर जिसे खींचते हुए ऊपर जाएगा। सारा जी बात समझ करना चाहे, यहाँ पे ट्रांसपेरेशन पुल काम कर देता है, यहाँ पे रूट प्रेशर काम करता है। नहीं ज्यादा हार्ड कीजिएगा, ट्रैकेट पे फोकस करो, ट्रैकेट जरूरत है जानना, क्योंकि अगर किसी साल हार्ड क्वेश्चन बना देगा ना तो पूछने लगेगा ट्रैकेट यूनिसेलुलर था या मल्टीसेलुलर था। तो पहला जवाब तुम्हारा होगा कि यूनिसेलुलर होता है ट्रैकेट, है ना। अब एक जालम बंडल में एक से ज्यादा ट्रैकेट भी हो सकते हैं, और एक साल मेडिकल में पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि ट्रैकेट का एंड पतला होता है सर, बीच में मोटा दिखाई देगा और अंत क्या होगा इसका पतला दिखाई देगा। हम जान के ट्रैकेट थोड़ा सा बड़ा चौड़ा करके दिखा रहे हैं ऐसे करके, लास्ट में इसको पतला बना रहे हैं। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं इसमें कटा है ना जी, सब है ना, ज्वाइंट किए ना। हेलो जी सर, चार मिनट हम बोले थे कि आपको ये दोनों का इंड देखते हैं पतला दिखाई देता है सर, ये दोनों जो इंड देखते हैं सर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर जी, ये दोनों इंड जो देखते हैं सर। ठीक है, ये दोनों इंड आपको है, इसको हम लोग फ्यूसी फॉर्म कहते हैं, फ्यूसी फॉर्म। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जाइलम बंडल में कौन है फ्यूसी फॉर्म, तुम क्या जवाब देगा, ट्रैकेट है ना फ्यूसी फॉर्म होता है। फ्यूसी फॉर्म अंतिम छोर पतला होना, बीच में मोटा है ना, ऑब्लिट्रेट है मतलब थोड़ा सा फैला हुआ है, और अंतिम छोर क्या आता है सर आपको पतला दिखाई देता है। हो गया समझा दिए, कितना बार बोल रहे। ठीक है, ट्रैकेट समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ट्रैकेट पे गौर कीजिएगा, ट्रैकेट में सेप्टेट होता है मतलब इस पर खांचा बना होता है, सेप्टा होता है, क्रॉस सेल वाल कर सकती हो आप, क्रॉस सेल वाल की मदद से क्या होता है पानी ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करता है जी। ठीक है, पर तुम ज्यादा पानी किधर से नहीं भेज पाओगे, थोड़ा बहुत ही पानी जा पाएगा, पर सपोर्ट क्या है ना सर, चलिए ठीक है। पर ये वेसल्स पाते हैं, वेसल्स बने होते किसके, ये आपको टिश्यू है, एक टिश्यू मेड अप ऑफ ना वेसल मेंबर, ये किस चीज का बनाता है, वेसल मेंबर का बनाता है। ठीक है, वेसल मेंबर का बनाता है जी। ठीक है, दिमाग लग रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब आपसे कोई पूछ देगा कि वेसल क्या चीज के बने होते हैं, तो वेसल मेंबर के बने होते हैं। एक सेल दूसरे सेल से इस तरह से जुड़ता है कि बीच में सेंट्रली वाइड ल्यूमेन बनता है, मतलब ऐसा सेल का अरेंजमेंट होता है सर, एक ल्यूमेन बना देता है जी। ठीक है, खोखला पाइप हम बार बार करें, और आपको कुछ इमेजिन नहीं हो रहा, बांस के बारे में सोचे, बांस के पौधे के बारे में, बैम्बू ट्री, बैम्बू ट्री का जो बीच का जो होलो पार्ट देखते हैं ना, वो एक्चुअली में वेसल पाइप का ल्यूमेन है। राजन क्या समझाना चाह रहे हैं, अब वेसल पाइप का जो ल्यूमेन देखते हो, वो तैयार जो दीवार है वो तैयार कैसे हुआ सर, आपको वेसल मेंबर से तैयार हुआ। हाँ ठीक है, करो तो एक बार फिर से कट करके ज्वाइन, नहीं बुराई करना चाहिए, कम पैसा में ठीक ठाक पढ़ा रहा है। तो देखिए हम लोग वेसल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेसल की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, वेसल में हम लोग क्या देख रहे थे। ठीक है, ये बना था क्या, इट सेल है ना, सेल ऑफ है ना, सेल ऑफ वेसल, ठीक है, सेल सेल ऑफ वेसल इज कॉल्ड, है ना, इसके सेल ऑफ वेसल इज कॉल्ड है ना वेसल मेंबर, इसको हम क्या नाम देते हैं वेसल, ये छूटेगा आप लोगों से, इसे याद रखिएगा, वेसल मेंबर के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, अब ये बात तुम लोग समझ ही गई हो कि सर इसमें सेंट्रल ल्यूमेन होता है, वाइड सेंट्रल ल्यूमेन होता है ना, इसमें वाइड वाइड सेंट्रल ल्यूमेन होता है, वाइड सेंट्रल ल्यूमेन होता है, खाली जगह बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी कहा था आपको, ठीक है, वाइट सेंट्रल ल्यूमेन जो देखते हैं उसमें माने ये वेसल्स का बना रहे हैं हम, ये आपको एक वेसल्स है, 3D पिक्चर होगा तो थोड़ा सा मोटाई भी होगा ना इसका, ऐसे करके है। ठीक है, और ये वेसल देख रही हो तो इसमें बहुत सारा सेल सब है, ये एक वेसल मेंबर, दूसरा वेसल मेंबर, तीसरा, चौथा, ऐसे करके सब तरफ से है ना, इधर से भी आपको होगा वेसल सेल यानी वेसल मेंबर, ऐसे करके सब तरफ से ये भरा हुआ है जी। ठीक है, पॉइंट नंबर टू क्या है, ये एक वेसल दूसरे वेसल से परफोरेशन से जुड़े रहते हैं, मतलब प्लाज्मा डेस्माटा से क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, प्लाज्मा डेस्माटा एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ देता है। आपने समझाने के लिए हम एक के दो से आप बनाएंगे, है ना, ये देखिए ये वेसल मेंबर है ना, एक वेसल मेंबर, ये दूसरा वेसल मेंबर, ये तीसरा वेसल मेंबर, ये चौथा है ना जी, ये एक दूसरे से क्या है, ऐसे कनेक्ट रहता है। ठीक है, मतलब ये आपको क्या रहेगा सर, आपको एक पाइप बना करके क्या रहेगा सर, आपको ये कनेक्टेड रहेगा जी। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा डेस्माटा के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, इसका नाम क्या होगा सर, आपको प्लाज्मा डेस्माटा, ना जी, प्लाज्मा डेस्माटा के नाम से हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा डेस्माटा से जुड़ा था, भारी बात क्या है कि इसमें पूछा क्यों ऐसा कर रहा है, तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए। देखो, जब ज्यादा पानी आ जाएगा इसमें, ट्रांसपेरेशन पूल में जब ज्यादा पानी आ जाता है तो सर कहीं फार ना दे पाइप को, तो सर ये पानी इसमें घुस जाएगा, इसके जरिए यहाँ जाएगा, फिर ऐसे करते करते ऊपर में मिल जाएगा। दिमाग लग रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से ना दूसरा रास्ता हो गया, गेटवे रास्ता हो गया, जिससे आप अलग से भी पानी जा सकता है। जा रहा जी बात, मतलब तुम समझ रहे हो कि पाइप को भींगाते हुए जाएगा ये। ठीक है,
पाइप के बीच से तो पानी जा रहा ही जा रहा है, और पाइप के दीवार से भी पानी निकल सकता है सर, या इससे भी आपको ऐसे जा सकता है जी, ठीक है। सर्किट भी ट्रैकिट भी अपना काम कर रहा था, इधर से पानी जा ही रहा था, पर सर पूरा वेसल तो आपको ले जाते हुए आगे की ओर ले जाता है, मतलब इसके सेल के जरिए भी पानी जा सकता है। तुमसे पूछा जाएगा मेडिकल में कि वेसल्स के किस रास्ते से वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है या सोल्यूशन, तो तुम इनसाइड इन ल्यूमेन अलोंग द वॉल, है ना जी, वॉल के साथ भी जाता है, और इसकी वजह तुम जानती हो ना पानी के चिपका रहने के कारण, तुम याद करो एडहेसिव प्रॉपर्टी होता है, क्या था जी, बीच से तो पानी जा ही रहा था पर पानी इसके साथ चिपके रहने का एडहेसिव, तो ना सेल में घुसा हुआ है ना, दिमाग लगा सेल वॉल के साथ भी जाता है पानी, हम ये समझाना चाह रहे हैं। इसलिए एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल में कम्युनिकेट करने के लिए इसमें परफोरेशन होता है, ये परफोरेशन से पानी बहुत तेजी से जाता है, सेल वॉल से जाएगा तो सर टाइम लग सकता है रेसिस्टेंस के, लेकिन पूरा होलो है, होलो होने के कारण क्या एकदम तेजी से पानी पहुंच जाएगा। हो गया हो गया, वेसल्स भी खत्म है ना जी, वेसल्स और ट्रैकेट, इतना ही बात है जी आप लोगों को। अब आप फिर से देखिए, ये है वेसल्स है ना, इसको वेसल्स मानिए आप लोग, है ना, इसको ट्रैकेट मानिए आप लोग, है ना जी। ट्रैकेट में बीच में सर मोटा होता है सर, अच्छा अंत में क्या होता है पतला होता है जी, ठीक है। इधर से भी ट्रैकेट है ना, और ट्रैकेट जो देखते हैं हम लोग है ना, बीच में सर क्या होता है आपको है ना, इसमें आपको बीच में मोटा होगा, इससे अंत में क्या होता है पतला होगा जी, ठीक है। अब इस दोनों को बांध के रखने में कौन मदद करता है सर आपको, है ना, आपको इसको बांध करके रखने में मदद करता है सर आपको, है ना, ये क्या नाम है आपको, जाइलम फाइबर, यहाँ पे क्या नाम था आपको, जाइलम फाइबर, ये सबको एकदम बांध के रखता है सर, ठीक है। पाइप तो जैसे दो पाइप है, दोनों पाइप पानी के फ्लो में तिरछा उछा ना हो जाए, या आपको इसमें कोई कंजेशन हो जाए, पाइप टूट ना जाए, उसके अंदर में कुछ जमा ना हो जाए, मान लीजिए कहीं लोड से टूट गया, इसके अंदर घुस गया होगा, तो दिक्कत हो जाए ना, समझा रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सबको बांध के रखने में, यानी कि सबको एक लाइन में रखने में कोई मदद करता है ना जी, जाइलम फाइबर। अब जाइलम फाइबर से कोई भरोसा नहीं सर, कहीं वही पानी को ले जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना, मतलब रखी तो पॉइंट इसके लिए है ना जी, इससे बांधी थी, क्या पता यही पाइप थी, ये भी ले जाने की कोशिश करेगा पानी को, ठीक है। तो इमेजिनेशन करो कि सर इसको हम एक जाइलम फाइबर को बाहर निकाले, मैंने इसको इतना दूर बाहर निकाल रहा है और जाइलम फाइबर को दिखा रहे हैं सर, तो इसका जो ल्यूमेन है ना सर, ल्यूमेन को मैंने इसका जो ल्यूमेन है, आप इमेजिनेशन कीजिए, ये ल्यूमेन हुआ उसका, सेल से तैयार होगा ना। फिर से देखो जाइलम फाइबर हम पढ़ा रहे हैं अब आपको हम, ठीक है। जाइलम फाइबर में कोई डाउट नहीं कि वो नॉन लिविंग है, सेल वॉल ही है सर, क्या वो पानी को कंडक्ट कर सकता है, ये हम लोग का टॉपिक है। मान लीजिए ये है जाइलम फाइबर, इस लाइनिंग को तुम मान लो तहदर के लिए जाइलम फाइबर, और जाइलम फाइबर भी बना होगा बहुत सारे सेल से जो मर गया है, ठीक है। अब जब मर गया सर, ठीक है, ये सब सेल कहीं आपको पानी ना ले जाए, ठीक है, इसको पूरा झाड़ दिया जाता है, ठीक है, समझना रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पानी पानी ले जा सकता था तो इसको पूरे सेंटर ऑब्लिट्रेट कर दिया जाता है। ऑब्लिट्रेट मतलब क्या, इसके अंदर का सेंट्रल ल्यूमेन क्या करता है, पूरा झाड़ झूड़ दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से तोड़ताड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर से सुनो, अगर ये पाइप है ना, इस पाइप के अंदर से पानी जा सकता था तो उसको पूरा तोड़ताड़ दिया, इसे छिल दिया गया ना कि अब उससे पानी नहीं जा सकता है, ठीक है। दिमाग में क्या होना, धागा कैसे बनेगा, वो जब उसको तुम सेल को काट कूट के पतला कर दोगी तब ना, इमेजिनेशन, ये 3D पिक्चर है, ये जाइलम फाइबर है सर, तो सर ये भी पानी ले जा सकता है ना, ठीक है। अगर हम इसको छिल के पतला सा कागज इतना पतला कर दे तो क्या ले जा पाएगा, नहीं ना ले जा पाएगा, ठीक है। यहाँ समझ क्या, देखो अगर 3D पिक्चर होगा है ना, ऐसे हम जाइलम फाइबर रखे हुए, डैश डैश ये सब है, अब 3D कैसे बनाए बोर्ड पर, ठीक है, ये ऐसे होगा ना जी, ये वाला लाइनिंग हुआ ना, ये पाइप जैसा नहीं लग रहा है, और काट के बस एक ही धागा रहने दे इसका, तो ये पानी ले जाएगा, नहीं ना ले जाएगा। तो वही बात यहाँ पे भी है कि सर इसके ल्यूमेन को ना ऑब्लिट्रेट कर दिया जाता है, ऑब्लिट्रेट मैंने तहस नहस कर दिया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है कि सर इधर से पानी ना जाए, इसका काम ये होगा। अब फिर बात समझे कि गांव देहात में देखेगा समझ जी, आपको कुछ कुछ ऐसे पेड़ पौधे को जैसे छिल छाल कर उसको धागा जैसा पतला कर देता है, कभी देखे पटसन से बनाते हुए, या ऐसे भी बांस के पौधे में देखे उसका एकदम छिप तैयार किया जाता है, लकड़ी जो डंटा टाइप का एकदम पतला सा लाइनिंग तैयार किया जाता है, वैसे ही टाइप का यहाँ पे भी होता है कि सर इसका इसका जो सेंट्रल ल्यूमेन, देखो एनसीईआरटी में ढूंढो लाइन को अंडरलाइन करो, सेंट्रल ल्यूमेन ऑब्लिट्रेट होता है, ऑब्लिट्रेट का मतलब सर इसको खराब कर दिया जाता है, ऑब्लिट्रेट मतलब खराब करना होता है, तहस नहस करना होता है ना, इसका जो जाइलम फाइबर का जो सेंट्रल ल्यूमेन होता है ऑब्लिट्रेट होता है, मतलब डिस्ट्रॉयड रहता है, डिस्ट्रॉय मतलब खराब कर दिया जाता है, याद हो गया। और उसके बाद सर कभी कभी क्या होता है, ऑब्लिट्रेट रहता है ना, मतलब कभी कभी आपको दिखाई तो पूरा होलो दिखाई देगा, मतलब इसका सेंट्रल ल्यूमेन जो है ना सर एकदम प्लेन होगा, एकदम प्लेन, ऐसे प्लेन होगा जी, ठीक है, मान लीजिए एकदम पूरा प्लेन। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कागज जैसा कुछ चीज इमेजिनेशन कर रही हूँ, ठीक है, तो कागज जैसा चीज देख रहे हैं, एकदम प्लेन दिखाई देगा, प्लेन दिखाने मतलब क्या, इस पर कोई दीवार नहीं सर, मतलब आपको सब एसेप्टेट होगा, इसका सेंट्रल ल्यूमेन क्या होता है पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, एकदम पतला कागज जितना पतला हो चुका है ये, और कागज जितना पतला होने सर इसमें कोई निशानी भी नहीं लग रहा कि सर कभी यहाँ पे सेल भी हुआ करता था, ऐसे करके 3D बनाते तो सेल जैसा निशानी था ना, और इस सब खाली हल्का फल्का गायब होता तो तुमको लगता ना कि सर सेल वॉल है अथवा उठा हुआ है ना, ऐसा तुमको कुछ फील ही नहीं होने दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सेप्टेट, एसेप्टेट हो जाएगा, एसेप्टेट है ना जी। नहीं सर कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ कुछ प्लांट एक्सेप्शनल है जिसमें जाइलम फाइबर को ठीक से नहीं काट कूट कर पाया,
मतलब उसमें तुमको पट्टी जैसा निशानी बना हुआ नजर आएगा, मतलब तुमको फील होगा कि हाँ यहाँ पे एक सेल होता था। क्या जा रहा है बात समझ में, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब तुम लोग कहो कि नेक्स्ट सेल जालन फाइबर भी असल में बहुत सारे सेल से बना था, मेड अप ऑफ मेनी सेल, मेड अप ऑफ मेनी सेल। तो सर सबूत क्या है सर? ठीक है आप नाम तो बोलिए उसका। बहुत जैसे आप जैसे यहाँ फैसल मेंबर बोल रहे थे ना, वैसे नाम भी तो बोलिए। तो हम यहाँ पे कहें सारे सेल को झाड़ झूड़ दिया गया है। अब झाड़ झूड़ दिया गया तो सर निशानी रहेगा, निशानी रहता सब सेट, निशानी नहीं रह रहा है तो ए सब सेट। क्लियर हो रहा है क्या होना चाहे? अब तुमको कुछ नेट पे सर्च करके देखना होगा कि कौन से प्लांट में जायलन फाइबर सेप्टेट होते हैं, कौन से जायलन प्लांट में एसेप्टेट होता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है मेडिकल में कि किसमें सेप्टेट होता है किसमें एसेप्टेट होता है। बस तुमसे ये पूछा जाएगा कि जायलन फाइबर दो तरह के हो सकते हैं। अगर सेंट्रल ल्यूमेन कंप्लीटली ऑब्लिट्रेट रहता है, ठीक है पूरी तरह से झाड़ झूड़ दिया जाएगा, तो उसका मतलब एसेप्टेट होगा। अगर कुछ रह जाएगा तो रिमेनिंग मतलब अंश दिखाई देगा, इसका मतलब क्या रहेगा, वो सेप्टेट रहेगा जी। ठीक है अब इसमें आपको नहीं समझ पाएगा कुलर का, तो हम इसको आप इमेजिनेशन करके समझा सकते हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हुआ ना, ये ऐसे कुछ रहा ना जी, तो ये एक जायलन फाइबर का एक सेल हुआ, इसके ऊपर में दूसरा सेल होगा जी। ठीक है अगर ये रहेगा तब ना तुम कहोगे इसमें कैविटी है, पानी अटका दोगी फिर इसके ऊपर से पानी अटकते हुए चला जाएगा, या इसको तोड़ देंगे तो इसमें दूसरे ऊपर में आपको पानी चला जाएगा। पर हम करें पूरा काट करके ना उसको ऐसे काट दिया है ना, ऐसे नहीं ये खांचा ही नहीं रहा। ठीक है तब इसका ल्यूमेन को खा गया आपने ना, ल्यूमेन को हटा दिए हम, लिमिन हटा दिए तो सर पानी तो अब नहीं ना जा सकता। अब काम क्या, बाइंडिंग करने का होगा, बांधने का काम हो जाएगा। तो सर इसका निशानी है क्या, मतलब हमको कुछ सबूत मिल सकता है कि एक जालम फाइबर का एक सेल हुआ था फिर दूसरा सेल होता था? तो सर तुमको अगर कुछ अच्छे से काट दिया है, पूरा एकदम बढ़िया से काट दिया है, कम्प्लीटली ऑब्लिट्रेट रहेगा, तो इसका मतलब एसेप्टेट, नहीं तो सेप्टेट। समझाने में जो टाइम लग रहा हो, रट्टा मारोगे तो कहोगे सर इसमें लिमिन नहीं होता है। ठीक है समझा ना। दूसरी बात लिमिन का होने ना होने का संकेत मिल सकता है सेप्टेट एसेप्टेट के आधार पर, है ना जी। मतलब सेल का वजूद मिल सकता है अगर सेप्टेट रहा तो, सेल का वजूद खत्म हुआ मिल सकता है जब एसेप्टेट रहा तो। एसेप्टेट मतलब सारा दीवार गायब है ना जी, और सेप्टेट का मतलब क्या, दीवार का होना। समझा जी हम कहना चाहे, मतलब एक सेल वाल रहेगा दूसरा सेल उसका फिलिंग नहीं होगा, हो गया जी जालन फाइबर खत्म हो गया। जालन फाइबर समझा रहा, जालन फाइबर ट्रैकिड और वेसल्स को बाइंड करने में रखता है जी। ठीक है इसका काम कंडक्शन ऑफ वाटर से नहीं है, बस पाइप को सपोर्ट करता है। दो ही पाइप है जो कंडक्शन कराता है, वो है वेसल्स और एक है ये, दोनों को मिला के इसका जाइलम एलिमेंट के नाम से बुलाते हैं। दोनों का दोनों मरा हुआ होता है, ये भी बात तुम लोग जान गए थे कि जाइलम ट्रैकिड वेसल्स दोनों डेड है, ये भी डेड है। अब आया पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा लिविंग होता है, डिमांड करता है, हाँ फोटोसिंथेसिस तो नहीं करता है पर स्टोरेज करता है, कुछ खाना जमा करता है। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ क्या क्या जमा करता है ना जी, कुछ स्टोरेज ऑफ फूड क्या, स्टार्च है, स्टार्च नहीं सेलुलोज नहीं, स्टार्च देखो हाँ तो हाईलाइट करो इस पे, है ना स्टार्च, है ना हाँ स्टार्च जमा करता है जी। ठीक है और इससे टेनिन बनता है, टेनिन एक चमकदार चीज बनता है, टेनिन है ना, उसमें लिखा होगा टेनिन बनाता है वो एक केमिकल है ना, एक केमिकल है जो शाइनिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है जी। दिमाग लगाएगा इस पे पर के जाएगा जालम फाइबर भी, ठीक है सॉरी जालम पैरेन्काइमा है ना, ये आपको स्टोर करता है खाना, खाना बनाता नहीं, दिमाग लिविंग है पर खाना सर खाना बनाता नहीं सकता, फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, खाना का स्टोर करता है। ठीक है तो तुम लोग से पूछ देंगे हम क्या जालम खाना स्टोर करता है, तो हाँ बिल्कुल करता है। जाइलम में खाना कहाँ स्टोर होता है, यहाँ स्टोर होता है जी। कॉमन सेंस भी लगाओगे तो बना सकते हो कि तीनों तो मरा हुआ है, ये कैसे खाना जमा कर लेगा, जमा करने का हक तो इसके पास है। और ये लिविंग होता है, डिमांड करता है, एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ लेगा ये, और ये सब इस सबको कंट्रोल भी करता है सर। ठीक है जी इस सबको जहां जहां आपको गैप होगा फिल करने के लिए टेनिन भी बनाता है, और टेनिन से सबको क्या कर देगा सर, आपको लीकेज को रोकेगा, कहीं भी लीकेज नहीं होने देगा। कोई भी अगर पाइप से बाहर की ओर पानी निकल जाए, कहीं भी देखो कि तना से पानी बाहर से निकल जाए, ऐसा नहीं होने देता है। ऐसा इसलिए नहीं देता है क्योंकि सर इससे क्या होता है, टेनिन से कवर कर दिया जाता पूरा पाइप को, है ना जी। पूरा पाइप क्या रहेगा, टेनिन से कवर रहेगा। लास्ट एंड फाइनल वन है कि कभी आप लोग मोटर से पानी को खींचोगे ना तो देखना पानी का बबल्स निकलने लगेगा। ठीक है तो तुमको तो इसमें एयर ले लिया मोटर में, है ना जी। मोटर जब देखिए कभी दमकल सबको पानी जब निकालते देखोगी तो वो कहता ना कि हरा वाला पाइप पानी से ऊपर आ गया तो एयर ले लेगा। एयर लेने में क्या, आप काम तो कर रहे दमकल उतना ही, लेकिन सर पानी नहीं फेंक पा रहा है, उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा पानी का बबल्स बना बना के फेंक रहा था। कभी देखिएगा ऐसा होता है जब तालाब से पानी खींचना रहता है या कहीं से खींचना रहता था, और आप इसको कहते हैं ना एयर ले लिया था, लेकिन वही जगह पर कभी कभी देखते हैं फोर्सफुली पानी निकल रहा है बाहर, एक जरा भी गैप नहीं बना। मतलब एक ऐसा पाइप इमेजिनेशन करो कि सर सारा पानी उधर से एकदम पूरा निकल रहा है, कोई भी खाली जगह दिख नहीं रहा है। इसको तुम कहते हैं रेडियल कंडक्शन, मतलब पूरा सर्किल बना के पानी निकल रहा है। दिमाग लगा जैसे कोई पानी का पाइप पकड़े हुए हो, उस पाइप से पानी पूरा भर भर के निकल रहा है, कभी पानी का फोर्स के साथ पानी आएगा तो पूरा पानी के साथ भर के आएगा, तुम कहोगे एक भी गैप नहीं है। ये पानी का लो स्लो वेलोसिटी होगा तो तुमको आधा पानी निकले आधा हवा निकलता रहेगा उससे, तो नहीं कहते एयर ले लिया। तो असल में पानी पूरा भर भर के जाए, पूरा एकदम एक भी जरा एयर का गैप नहीं बने, इसके लिए कौन काम करता है, जालन पैन का। देखो एनसीईआरटी में लिखा है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर मतलब इनमें सुना की रेडियस के लॉ, जैसे ये तुम देखो ये है ना वेसल्स, इसी में ना ट्रैकेट आसपास में था, इसको हम ट्रैकेट माने थे ना जी,
छोटा छोटा वो क्या माने थे ब्रैकेट, और बीच में जो बड़ा वाला हिस्सा देखे उसको क्या नाम दिए थे लोग वेसल्स। अब आपका कहना ये है कि सर इसमें से पूरा भर भर के पानी जाए, पर इधर से भी पूरा पानी भरा रहे, इसमें भी पूरा पानी भरा रहे, कहीं भी एयर नहीं हो, तो इसका कंट्रोल किसके हाथ में? पी के पास है, पी मतलब जाइलम पैरेन्काइमा के पास है। ये पूरा रेडियस के लो, जैसे इसको तुम बनाओगे तो ये रेडियस पे पानी है, ये रेडियस पे पानी है, ये रेडियस पे पानी है, हर एक रेडियस पे क्या है पानी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करने में कौन मदद करता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा मदद करता है। हो गया समझाते हैं। देखो आप पढ़ सकते कि पढ़ देते ये टॉपिक ठीक ठाक है ना, जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ देते हैं, जाइलम पढ़ देते हैं जी, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला पैराग्राफ है, असल में ये तुम नहीं याद भी करोगे ना तो माफ कर देंगे, पर अगला पैराग्राफ क्लास में ही याद कर लीजिएगा। इंटास्ट एग्जाम्स वाला टॉपिक जो है ये पूछा है मेडिकल में, 2014 मेडिकल में भी पूछा है। अब पहले मतलब उसका इतिहास देखो तो हर जगह पूछे हुआ है। पहले हम ये पढ़ देते हैं जी, असल में आप लोग इस क्लास में एक्टिव हो जाना है, ये ज्यादा मायने रखता है आप लोगों के लिए, है ना जी। जल्दी पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल हु वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, सब मिलकर काम करता है, इसके नाम पर क्या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तुम देख रहे सब चारों चारों मिलकर पानी न ले जा रहा है, तो इसमें आपको इसलिए हम लोग क्या नाम दिया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ जाइलम पे आ जाओ, जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल। अंडरलाइन कीजिएगा, छोटा बात है लेकिन नीट का क्वेश्चन है कि रूट स्टेम लीफ के जरिए पानी को पहुंचाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाँ ये लाइन पे भी हाईलाइटर कीजिएगा, पेड़ की मजबूती भी यही देता है सर, है ना। कोई पेड़ मजबूत है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसकी वजह से है ना, जाइलम की वजह से होता है, ना कि फ्लोएम, है ना। इट कंपोज ऑफ फोर काइंड ऑफ टिश्यू नेमली ट्रैकेट वेसल्स जाइलम जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, इसे बता ही दीजिएगा। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स सबसे सेंटर, इससे भी हाईलाइटर चलाइए, है ना। जाइलम आपको जिम्नोस्पर्म में क्या होता है वेसल्स नहीं पाया जाता है, ट्रैकेट आप इस पे ट्रैकेट आइए, ट्रैकेट भी यही होगा, एक इलांगेटेड सेल है, ठीक है। और ये आपको क्या होता है लाइक ट्यूब लाइक सेल होते हैं, है ना, ठीक लिग्निफाइड सेल वाला होता है। टेपरिंग इन पे अंडरलाइन या हाईलाइटर चलाइएगा। टेपरिंग इन का दूसरा इंग्लिश हम बोर्ड पे लिखे थे पहले, फ्यूसिफॉर्म, फिर अंतिम छोर इसका पतला होता है जी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। एक जाइलम बंडल में ट्रैकेट सबसे लंब में जाते ही पतला हो जाता है, इसे डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाम। इसमें क्या देखते हैं, प्रोटोप्लाम नहीं होता है। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल है ना हैव थिकनिंग, है ना, इसके अंदर का जो दीवार देखते हैं उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है, उसका आपको वेरिंग डिग्री पता है, मतलब हम आपको बता भी थे, देखो बीच में ऑब्लिट्रेट है ना, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे दाएं बाएं है, मतलब टेढ़ा है इस तरह से, है ना जी। आइए वेसल्स पे, वेसल्स ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वेसल्स एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है मेड ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर, है ना जी। इसका लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, वेसल्स मेंबर के भी एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है, जो कि हम बोर्ड पे आपको समझाए हैं, 3D इमेजिनेशन कर पाइएगा तो आप लोगों ये सब समझ में आ जाएगा। वेसल्स में भी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होते हैं, इसका मतलब तुम इसको भी मरा हुआ मानोगे, लेकिन वेसल्स मेम्ब्रेन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय परफोरेशन कॉल्ड कॉमन वॉल, है ना, उसके सेल वॉल में एक दूसरे से जुड़ा रहता है छेद के जरिए, प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है, इसके आसपास में लिख सकते हो कहीं पे प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है। लास्ट है आपको प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, हम बोले थे एंजियोस्पर्म में ही वेसल्स दिखाई देगा, हालांकि एक एक्सेप्शन है जिनिटम, उसमें भी वेसल्स दिखाई देता है ना जिम्नोस्पर्मिक में। और जाइलम फाइबर है ना आपको हैव थिकेंड वॉल्ड, है ना, ऑब्लिट्रेट वो सेंट्रल लुमेन, इसके लुमेन को बर्बाद कर दिया जाता है ताकि ये कंडक्शन नहीं करे वाटर का। अगर इसका निशानी हो भी सकता है, मतलब तुमको निशानी मिल सकता है कि बर्बाद किया गया था, हमको लग रहा है यहाँ पे एक्सेल होता था, तो ऐसा निशानी मिल भी सकता है, निशानी मिलेगा तो सेप्टेट, निशानी नहीं मिला तो उसको एसेप्टेट कहेंगे। आप तुमको ये ढूंढना है कि किस प्लांट में सेप्टेट जाइलम फाइबर होता है, किसमें एसेप्टेट है, नहीं ढूंढा तभी चलेगा। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि किसमें सेप्टेट होता है, किसमें एसेप्टेट होता है। लेकिन आगे बढ़िए, जाइलम पैरेन्काइमा है ना आपको आर द लिविंग, ये लिविंग होता है ये बात तय था, है ना। थिन वॉल सेल वॉल होता है मेड ऑफ सेलुलोज, दे स्टोर फूड, ये मायने रखता है आप लोग के लिए, है ना। स्टोर फूड में स्टार्च फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन, आखिर में टेनिन लीकेज को रोकने के लिए होता है ना, टेनिन एक तरह का लिग्निन आपको एक केमिकल है, ठीक है, ये सब भी याद रखिए टेनिन वर्ड। उसके बाद रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी पूरा भर भर के जाए, ये पैरेन्काइमा सेल की वजह से होता है, रे पैरेन्काइमेटस सेल की वजह से होता है, पैरेन्काइमेटस सेल ही सब सेल को पूरा जाइलम में या वेसल्स में पानी को भर भर के ले जाने में मदद करता है, ठीक है। चले जी मिटावे सबको, समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो अपने से पढ़िए, है ना, इस समय कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन अब पढ़ना जरूरी है। देखिए आप लोग बायोलॉजी में कुछ टर्म सबको याद रखिएगा, बायोलॉजी में कभी भी सेंटर पॉइंट होता है ना उसको मिडुला के नाम से बुलाते हैं, और किनारे का जो पॉइंट होता है उसको कॉर्टेक्स के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेंटर का पॉइंट को हम पिथ भी कहते हैं, और किनारे के पॉइंट को पेरिफेरल भी कहते हैं जी, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं, है ना। वैसे तो तुम जानवे कर रहे हैं सेंटर और है ना अपनी की आपको कॉर्नर, है ना, ये सब भी हो सकता है वर्ड, है ना जी। जैसे आप कोई सर्किल बनाते हैं, ये बात याद रखना है सब लड़के को, जब आप एक सर्किल बनाते हैं तो सर्किल में दो हिस्सा होता है, एक बीच का हिस्सा को मिडुला कहते हैं और किनारे के हिस्सा को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉर्टेक्स के नाम से बुलाते हैं। कभी इसी का दूसरा इंग्लिश भी हो सकता है पेरिफेरल, पेरिफेरल हो सकता है, और इसका दूसरा इंग्लिश क्या हो सकता है, पिथ हो सकता है, पिथ माने सेंट्रल पोजीशन, समझा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और इसे सेंटर और किनारे तो जान ही रही फॉरवर्ड, है ना, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, यूज करेंगे इसका हम, ठीक है। आपको
हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग है ना जी, एक है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग जब देखते हैं सर, ठीक है, हमने ये भी कल कहा था कि सारा कुछ मेरिस्टेम ही बना के देता है जी। तो मान लीजिए सर अभी प्लांट बहुत छोटा है, नन्हा मुन्ना प्लांट है, शुरुआती दिनों का प्लांट है, मान लीजिए आपको जो पेड़ लगाई हो मात्र है ना 5-10 दिन का या 2 महीने, 2 महीने का, 2 मंथ का प्लांट है, तो सर 2 महीने का प्लांट है तो बहुत छोटा छोटा जाइलम आएगा ना, मतलब शुरुआती दिनों का जो प्लांट होगा तो शुरुआती दिनों का जो प्लांट होगा तो सर शुरुआती दिनों का ना जाइलम होगा, दिमाग लगा जी, अर्ली 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 प्लांट है तो सर इसमें जो जाइलम होगा सर वो अर्ली किस्म का होगा ना जी, ठीक है। शुरुआती दिनों का प्लांट जैसे कहते ना बचपन में, तो बचपन वाला दांत क्यों आता है, ठीक है, मिल्क टीथ, फिर बाद में आता ना परमानेंट टीथ, वैसे करके वैसे यहाँ पे भी है, जब आपको अर्ली फॉर्म जाइलम है ना जी, अर्ली फॉर्म जाइलम जो शुरुआती दिनों में जो जाइलम होता है, अर्ली फॉर्म जाइलम है ना, फ्रॉम आपको लिखा आपको मेरिस्टेम, शुरुआती दिनों में बनाया गया प्लांट जाइलम, ये जाइलम क्या एक तरह से परमानेंट टिश्यू है, लेकिन बनाया कौन होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना सर, जो शुरुआती दिनों का जो जाइलम है, अर्ली फॉर्म जाइलम फ्रॉम मेरिस्टेम इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी जाइलम के नाम से लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल्ड प्राइमरी जाइलम, ठीक है, ये याद रखेगा सर लड़का, सर हम क्वेश्चन पूछेंगे है ना, कॉल्ड प्राइमरी जाइलम जी, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी जाइलम के नाम से आते हैं। सर प्राइमरी जाइलम में भी सर सबसे पहले जो आता है, प्राइमरी जाइलम बोल देना ही काफी नहीं है, प्राइमरी जाइलम में भी पहले, माने कि 2 महीना का प्लांट तुम देख रही हो, इसमें आपको जाइलम आया, तुम कह रही हो प्राइमरी जाइलम, तो हम तुमसे अब ये पूछ रहे हैं कि पहला महीना में जो जाइलम आया उसको बताओ, है ना, 2 महीना के अंतर का पेड़ प्राइमरी जाइलम, 10 साल का जब पेड़ हो तब आएगा सेकेंडरी जाइलम, या 1 साल का पेड़ हो जाएगा तब आएगा सेकेंडरी जाइलम, लेकिन अभी 2 ही महीना का पेड़ है तो तुम जाइलम तो होगा सर, ये बात तय है सर, शुरुआती दिनों का ना जाइलम है सर, अभी बहुत सॉफ्ट प्लांट है ये, तो प्राइमरी जाइलम कहेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई 2 महीना पे तुम देखो तब कर रही हो प्राइमरी जाइलम, तो सर इसमें जो सबसे पहला जाइलम आएगा उसका नाम बताओ, उसका नाम है प्रोटो जाइलम। प्राइमरी जाइलम में भी सर आपको ना आपको फॉर्मेशन के आधार पे जो सबसे पहले बनता है सर उसको क्या कहते हैं आपको, प्रोटो जाइलम, इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि हो गया बोलने से ही, प्राइमरी जाइलम में भी जो सबसे पहले आता है उसको कहते हैं प्रोटो जाइलम, ये याद रखिएगा सब लड़का, ठीक है, प्रोटो जाइलम में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो बाद में आता है सर दूसरा महीना में जो आया होगा उसका नाम क्या पड़ेगा आपको, मेटा जाइलम के नाम से लाएंगे, ठीक है ना, अर्ली प्राइमरी जाइलम है ना, अर्ली प्राइमरी जाइलम कह सकते हैं, ठीक है, अर्ली है ना जी, अर्ली प्राइमरी जाइलम है ना जी, एंड आपको लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम, मतलब आपको बाद में आया हुआ है ना जी, आपको प्राइमरी जाइलम, लेटर प्राइमरी जाइलम, ठीक है जी, बस समझा रहे हैं, बाद में आया हुआ प्राइमरी है, दोनों प्राइमरी ही जाइलम, ये बात कंफ्यूजन है ना जी, ये मत कह देना कि सेकेंडरी जाइलम है प्राइमरी जाइलम, गलती हो जाए बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है जी, प्राइमरी जाइलम ही बोलना है ना जी, तुम कहोगे सर हमको नहीं समझ आ रहा आपके बात, ठीक है जी, तो हम ये करेंगे, तुम एक बांस का पौधा देख रहे हो ना, तो आज 1 साल का पौधा हुआ है सर बांस का पौधा, तो उसमें प्राइमरी जाइलम है, 5 साल का होगा तभी प्राइमरी जाइलम है, लेकिन 1 साल की डेट में जो प्राइमरी जाइलम आया होगा उसको कहेंगे प्रोटो जाइलम, क्योंकि वो मोनोकॉट है जी, समझा रहा ना जी, और जो अगले साल जो आया होगा मतलब दूसरे साल में जो जाइलम आया होगा उसको क्या नाम देंगे, मेटा जाइलम के नाम से बुलाएंगे। अब जा रहा जी दिमाग में क्या बनाता है ना, आमूम का पेड़ मत सोचो पहले, मैंने बार बार बोले कि क्लास चल रहा है आपको बैम्बू ट्री को इमेजिनेशन करते हुए, ठीक है जी, तो आप माने बांस के पौधे में जो पहला बार जाइलम आया होगा तो प्रोटो जालम कहेंगे सर, दूसरा बार आया होता सर आपको क्या कहेंगे हम लोग, मेटा जालम कहेंगे सर, दोनों को मिला के बोलिए तो आप प्राइमरी जालम कहें सर, आप सेकेंडरी जालम क्यों नहीं करें, तो भाई सेकेंडरी जालम पेड़ की चौड़ाई बढ़ाता है, वो अलग ही दुनिया में है, ठीक है, हम बस जालम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर प्रोटो जालम और मेटा जालम का पोजिशन भारी होता है स्टेम एंड रूट में, यही भारी बात है, क्लास में ही याद कीजिए सब आदमी, ठीक है, प्रोटो जालम एक ही को लेकर चलते हैं, प्रोटो जालम पोजिशन जो होता है पोजिशन धैर्य करता है, इसका जगह अलग अलग होता है, पोजीशन जो देखते हैं हम लोग धैर्य करता है आपको है ना, इन रूट एंड स्टेम में, रूट एंड स्टेम में प्रोटोजालम और आपको मेटाजालम लिख ही देते, प्रोटोजालम एंड मेटाजालम बात वही रहेगा, एक को भी लेके चलोगी तभी समझ में आ जाता है, प्रोटोजालम एंड मेटाजालम पोजीशन इस दोनों का जगह बदलता रहता है, ठीक है, पोजीशन बदल, जैसे माने तुम दो दोस्त हो और दोनों दोस्तों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर हम लोग दरभंगा से माने वो दिल्ली जा रहा है, तो कहा कि आधा रास्ता हम पहले खिड़की गेट पे बैठेंगे, हाँ जी, आपके अगला आधा रास्ता पे वो खिड़की गेट पे बैठेगा, ठीक है जी, ऐसे करके आप लोग है ना बात किए हुए, ठीक है, वही बात है ना जी। यहाँ पे देखिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी प्लांट के स्टेम पे चर्चा कर रही हो, ये स्टेम है, एक पेड़ को है ना तोड़ के लाए हैं, उसका तना तोड़ के लाए हैं, और तना जब तोड़ के लाते हैं जो हम बोल रहे थे ध्यान देगा, प्रोटोजाइलम सेंटर में होता है सर, उसमें प्रोटोजाइलम क्या होता है सर आपको, सेंटर में होता है, सेंटर मतलब पीठ में है ना जी, मेटाजाइलम क्या होगा, किनारे होगा जी, ठीक है, मेटा जाइलम है सर दोनों, पर सर ये क्या है, किनारे में, दो महीना का पेड़ हो चुका है, मेटाजाइलम क्या है, पेरिफेरल है, किस में, स्टेम में जी, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में किसको जाने का मौका मिला, प्रोटोजाइलम को,
हमें टाइम बाहर की तरफ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कोई भी लड़का। हम क्वेश्चन पूछना चाहते छात्र में पर बहुत इजी टॉपिक है, हम ज्यादा बोले तो हो सकता है कंफ्यूजन पैदा हो जाए, पर ये बहुत इजी टॉपिक है। मेटाजाइलम देखे रूट में, उसी पेड़ के रूट में सेम प्लांट है पर उसके जड़ में जब देखेंगे जड़ में मेटाजाइलम सेंटर में आ जाता है, मेटाजाइलम सेंटर में चला जाता है और प्रोटोजाइलम किनारे में चला जाता है, प्रोटोजाइलम किनारे में चला जाता है। तुमको ऐसा अभी भी हमको ये दिक्कत है कि प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम आपको कैसे पता चल गया कि प्रोटोजाइलम है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का भैंसा छोटा छोटा होता है, मेटाजाइलम का भैंसा था बड़ा बड़ा होता है। आप समझना है ना मेटाजाइलम किसे कहते हैं प्रोटोजाइलम किसे कहते हैं। अब लेकिन तुमको ये रटना पड़ेगा, ये तुम ये नहीं पूछ सकते क्यों सर, लेकिन ये जरूर कहिएगा सर रटना यहाँ पे सेम जो है ना सेम में प्रोटोजाइलम है ना सेंटर में होता है, मेटाजाइलम क्या होता है पेरिफेरल होता है, ठीक है। अब वही पेड़ के रूट में जब देखते हैं तो आपको क्या होता है मेटाजाइलम सेंटर में जाता है, मतलब बड़ा बड़ा जाइलम बीचिंग हो जाता है, छोटा छोटा जाइलम क्या होता है किनारे तरफ चला जाता है, ठीक है। संदर जम क्या है जाइलम बंडल है ना, एक जाइलम बंडल जो बड़ा बड़ा साइज का है बीच में आ जाएगा, हो गया जी बात समझे ना, ये रूट में दिखा देता है। ऐसी घटना को क्या कहते हैं एक्सार्च कहते हैं, एनसीईआरटी आप देख सकती हो इस घटना को क्या कहते हैं एक्सार्च के नाम से बुलाते हैं। ऐसी घटना जिसमें स्टेम में आपको क्या देखते हैं इंडार्च के नाम से बुलाते हैं। तो प्लांट में दो तरह का आपको जाइलम होता है एक्सार्च और इंडार्च। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडार्च व्हेन इन अ स्टेम है ना प्रोटोजाइलम एट सेंटर और मेटाजाइलम क्या होता है बाहर की ओर है ना जी। अब लिख के समझा देते हैं, अब याद याद ही रखना आप लोगों को है ना जी। जी हाँ जी बताने के लिए अच्छा जी बोलिए बच्ची हमारी जी मुजाहिद सर की आप पढ़ती है जी 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 तो वहाँ से आते हुए हाँ वो बायोलॉजी छोड़ दे क्या जी तुम लोगों को जी छाता लेके आते थे नहीं तुम भी किसमें लेके आते कल आया था तुम क्या इलेवन पर जी नाइस राइट सर तुमको टाइम से मिला सर मतलब भेज देना पढ़ा देंगे आप मुझे सर कमीशन देंगे बहुत बच्चा भेजते हैं अच्छा और नहीं इससे काटना पड़ेगा हाँ सब तो लोग लो बुझाई से सर का सुन रहे तुम है ये और कोई नहीं तुम नहीं है बुझाई सर यहाँ जी। प्राइमरी जालम दो तरह का होता है, एक क्या होता है सर आपको है ना जी एक होता है सर आपको इंडार्च मतलब प्राइमरी जालम पोजीशन के आधार पे ना पोजीशन ऑफ प्राइमरी जालम ठीक है। प्लांट कितने तरह का होते हैं सर आपको दो तरह के होता है, एक क्या होता है सर आपको इंडार्च एक क्या होता है सर आपको एक्सार्च होता है। बस दो मिनट इसमें से एक क्वेश्चन पूछेंगे स्पीड हो जाएंगे। इंडार्च में क्या होता है स्टेम में देखने को मिलता है इन स्टेम में क्या देखते हैं है ना आपको इसमें पी आपको सेंटर में होता है पी सी होता है ठीक है और एम आपको क्या होता है एम पी होता है। पी सी मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर में और मेटाजाइलम क्या होगा पेरिफेरल होगा ठीक है। ये घटना क्या कहते हैं हम लोग इंडार्च कहते हैं ठीक है। इसमें क्या होता है सर आपको 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 रूट में क्या देखते हैं रूट में आपको मेटाजाइलम सेंटर में होता है ना मेटाजाइलम क्या देखते हैं हम लोग मेटाजाइलम सेंटर में दिखाई देगा है ना जी। और आप क्या होगा सर आपको प्रोटोजाइलम क्या होगा सर आपको है जी पेरिफेरल होगा जी ठीक है पेरिफेरल होगा। घटना का क्या नाम देते हम लोग एग्जार्च कहते हैं। पढ़ाए में भी पहले भी आप लोगों को इसमें एक ट्रिक ले लो दूसरा अपने आप उल्टा करके याद कर लीजिए तो एक याद कर लीजिए ना दूसरा अपने आप याद हो जाता है ठीक है। हम इसको याद करेंगे ट्रिक दिए थे ना जी मौसी पूरी पकाए रात में है ना याद आ रहा जी हमने बताया था ना कि मासी पूरी पकाए रात में है ना जी नहीं बोले थे एक बार ना जी जैसे रूट है ये मासी हुआ है ना मासी है ना रात में पूरी पकाए है ना पूरी पकाए पीसी पीसी मैंने क्या प्रोटोजाइलम है ना तो ऐसा ना जी पीसी है ना जी मासी पूरी पकाए है ना रात में है ना रात में तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा समझा ना जब क्या तो रूट हो गया है ना जी आपको मासी हो गया पूरी पकाए है ना रात में है ना प्रोटोजाइलम जो आप फंस गए तुम लोग सर निकल जाएगी घंटे बजाएगी रे क्या हुआ खत्म हुआ क्लास मैंने एक क्वेश्चन था 2014 का मेडिकल का क्वेश्चन था है ना 2014 मेडिकल में क्वेश्चन पूछा था कि हाउ वी आइडेंटिफाई स्टेम एंड रूट है ना रूट वुडी एक्सिस प्रेजेंट इफ ए
वुड या स्टेम, वुड या उसको लट्ठा क्या कहते हैं, लॉग, लॉग कहते हैं ना, एलओजी लॉग, लॉग प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड है ना जी। पहला ऑप्शन था, पहला था आपको प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ ना वेसल्स है जी। दूसरा ऑप्शन था प्रेजेंस ऑफ है ना, प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल है ना जी। तीसरा था आपको कैम्बियम, कैम्बियम। चौथा ऑप्शन था आपको प्रोटोजाइलम पोजीशन, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम पोजीशन। क्वेश्चन पूछा 2014 मेडिकल का क्वेश्चन है ये है ना जी। देखिए वेसल तो रूट हो या स्टेम हो सब जगह पाया जाएगा, इसमें तो कुछ दिक्कतें नहीं है। तो प्लांट के कोने कोने में पाया जाएगा वेसल, इतना नहीं ना हो सकता है सर। रूट हमको ये करना है कि आइडेंटिफाई रूट स्टेम कैसे कर पाइएगा, तो इससे तो नहीं कर पाए। एपिडर्मिस भी तो हर जगह होता है, प्लांट में पढ़ेंगे एपिडर्मिस हर जगह होता है। कैम्बियम भी तुम देखोगे ना, ये रूट में भी नहीं, कल बताया था कैम्बियम तो दोनों तरफ होता है ना, क्या था जी, हल्का सा रूट में भी जाता है, हल्का सा स्टेम में भी जाता है। इससे तो ना पता चल रहा है कि लकड़ी किसका हिस्सा है, रूट का हिस्सा है या आपको स्टेम का हिस्सा है, ठीक है। पर प्रोटोजाइलम की पोजीशन से तुम पता लगे ना कि रूट का हिस्सा या जाइलम या आपको स्टेम का हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि तुम जान रही हो प्रोटोजाइलम इधर क्या था, तो सेंटर में था स्टेम में, और प्रोटोजाइलम इधर क्या देख रहे हैं, पेरिफेरल था ना, क्या नहीं गया दिमाग में, कैम्बियम से नहीं ना पकड़ पाएंगे, क्यों नहीं पकड़ पा रहे कैम्बियम, कैम्बियम में समझ आ रहा सेकेंडरी में स्टेम, तो सेकेंडरी में स्टेम इधर भी है सर, आज इधर भी है, रूट में भी है। मतलब कोई आदमी आपको ऐसा ट्री को बढ़िया से काटा है, गोल में आई से काटा है, एक गोल पीस इसको बना के आपको ला के दिया, फिर यहाँ से गोल पीस बना के ला के दिया है ना जी। और आपको कह रहा भाई रूट है कौन स्टेम में कौन है पहचान है ना जी। तो आप इसको कैसे पहचानिएगा है ना जी, पूरा पॉलिश करके दिया पेड़ है ना जी, तो इस तरह से कैसे पहचानिए, तो आप इसको जाइलम से मतलब ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के पोजीशन से पहचान सकते हैं। नहीं देखिएगा तो 2014 का क्वेश्चन है, जाकर देख लेना वहाँ से, ठीक है। रहने तो यहीं तक, जा पाओगे तो चले जाओ, दौड़ते रह जाओ, जिसको छाता चाहिए तो बोलो वापस।